आए दिन ओबीसी आरक्षण को लेकर महाविकास आघाड़ी सरकार और विरोधियों में काफी तीखी नोकझोंक शुरू है। ऐसे में विजय वडेट्टीवार द्वारा दिया गया एक स्टेटमेंट राजनीति गरमाने वाला रहा। इसी को लेकर राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुड़े इन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पेशे हमारे संवाददाता संजय मिरे, इनकी एक्सक्लूसिव बातचीत चंद्रशेखर बावनकुड़े के साथ, आइए देखते हैं। ओबीसी के राजनीति को लेकर, आरक्षण को लेकर राजनीति काफ़ी गर्मा गई है। ऐसे में चाहे सत्ता पक्ष हो या विरोधी हो, आप अपने बयान इस तरह के दे रहे हैं जिससे चलते लोगों में संभ्रम निर्माण हुआ है। हाल फिलहाल में विजय वडेट्टीवार, इनका एक ऐसा विधान आया जो जनता के दिल में उथल पुथल करने वाला था। आखिरकार ऐसे विधान क्यों किए जाते हैं और इसके ऊपर में जो विरोधी है उनका अपना क्या कहना है, आइए सीधा रुख करना चाहते हैं। इस समय में हमारे साथ में राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले जी है, साथ में उनसे जानना चाहेंगे। बावनकुले साहब, जिस प्रकार से विजय वडेट्टीवार जी का जो एक स्टेटमेंट जो आया है जो काफी राजनीति में गर्माहट लाने वाला है, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, विजय वडेट्टीवार जी ने यह कहा है कि मैं अपोजिशन का लीडर था और जब सरकार आएगी तो मुझे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट दिया जाएगा, ऐसी उसकी भावना थी। उनके मन में एक उनकी डिमांड आई, उनको लगा कि ऐसा होना चाहिए और ये बात बराबर भी है। जब कोई नेता अपोजिशन लीडर होता है और जब सरकार में जाता है तो महत्वपूर्ण उसको पोस्ट मिलती है। लेकिन विजय वडेट्टीवार जी का कहना था कि मुझे महसूल जैसा खाता मिलना चाहिए था, नहीं मिला। मुझे लगता है कि उनके पार्टी का अंतर्गत इशू है, उनके इंटरनल इशूज है। बट अगर हम लोग प्रोटोकॉल देखें तो ये बात सही है कि विजय वडेट्टीवार जी को छोटे मोटे डिपार्टमेंट देकर खुश कर वहाँ पर देकर वहाँ पे मंत्री बनाया गया। उनको महसूल जैसा खाता, जो कांग्रेस का एक नंबर खाता है, कांग्रेस को जो मिला हुआ वो मिलना चाहिए था, उनकी भावना थी। वो भावना को कांग्रेस पार्टी ने विचार करना चाहिए। बावनकुले जी, एक बात ये भी देखने के लिए आई और लोगों का ऐसा आरोप है कि ये तो महाविकास आघाड़ी सरकार की बात हुई लेकिन भाजपा भी इससे कुछ कम नहीं है, क्योंकि ओबीसी के जो नेता है उनको अलग थलग डालने की राजनीति चल रही है। जैसा आपका नाम उछाला जाता है, पंकज मुंडे जी का नाम उछाला जाता है और एकनाथ खड़से का भी नाम उछाला गया, क्या कहना चाहोगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही केवल एक पार्टी है जिन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति को, आपने देखे महाराष्ट्र के सारे, आपने अभी तक का इतिहास देखे तो सबसे ज़्यादा अगर लीडरशिप किसको मिली है तो ओबीसी समाज को मिली है, ये कांग्रेस में नहीं है। राष्ट्रवादी में आप देखिए ओबीसी समाज का क्या हाल है। भारतीय जनता पार्टी केवल एक पार्टी है जिन्होंने ओबीसी समाज को आज ऊंचे स्तर पर पहुंचाया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ओबीसी का नेतृत्व करते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है कि ओबीसी को बीजेपी में कुछ अलग थलग किया जाता है। हो सकता है कि एक आधे बार कोई दूसरी जवाबदारी के कारण मेरे जैसे कार्यकर्ता को कहा गया कि आपको संगठन में जनरल सेक्रेटरी करके काम करना है, आपको संगठन में स्टेट के लिए काम करना है, विदर्भ मराठवाड़ा की इंचार्ज करके आपको काम करना है, तो एक आधे बार एक आधे सीट नहीं देने की वजह से किसी पर अन्याय होता है, ऐसा नहीं होता है। मुझे 3 बार विधायक बनाया गया, 10 साल डिस्ट्रिक्ट पंचायत में मुझे मेंबर रखा, मुझे 3-3 डिपार्टमेंट का मंत्री बनाया गया, 3-3 जिले का पालक मंत्री बनाया गया। जब आपको इतना सारा डिपार्टमेंट दिया, इतना सारा मंत्री पद दिया, तब आप पे अन्याय नहीं हुआ और आज अन्याय हो गया, ये कुछ बात नहीं है, किसी पर अन्याय हुआ नहीं है। और मुझे लगता है कि ना पंकज अताई पर, ना मुझ पर, ना किस पर अन्याय हुआ है, मुझे इस बात में कोई तथ्य लगता नहीं है। अपोजिशन पार्टी जानबूझ के इस विषय को मुद्दा बना के ओबीसी समाज में नाराजगी पैदा करने का प्रयास कर रही है, लेकिन मैं किसी ओबीसी एक नेता को कोई पोस्ट नहीं मिली करके सारे ओबीसी नेता पे अन्याय हुआ या समाज पे अन्याय हुआ, ऐसा नहीं होता है। बावनकुले साहब, आखिरी का सवाल मेरा यह है कि स्थानिक स्वराज्य चुनाव जो अभी है फरवरी माह में होने जा रहे हैं, ऐसे में ओबीसी का जो आरक्षण है रद्द किया गया है और ओबीसी की तादाद हर पार्टी में, आपके पार्टी में बहुत ज़्यादा तादाद है, ऐसे में इसका कितना परिणाम आने वाले चुनाव में हो सकता है? क्या ओबीसी वर्ग वंचित रहेगा इस मनपा चुनाव के लिए? कहीं क्या करने वालों की, कोर्ट में जाओगे, पिटीशन दायर करोगे, क्या करोगे? सुप्रीम कोर्ट का जो अभी 4 मार्च को जो रिजल्ट आया हुआ है, उस रिजल्ट में तो क्लियर है कि आने वाले सभी चुनाव में ओबीसी आरक्षण नहीं रहेगा। इसका मतलब महानगर पालिका नागपुर में भी नहीं रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण निकाला क्या? नहीं निकाला है। उनने ओबीसी आरक्षण देने के लिए बोला है, लेकिन कितना, केवल इतनी बात कही है कि
कि ओबीसी का आरक्षण दीजिए लेकिन डेटा तैयार करके दीजिए। अब सिंपल है, 3 महीने में डेटा बन सकता है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से आरक्षण मिल सकता है। केवल सरकार ने आदेश निकालना है, कमिश्नर को आदेश निकालना है कि नागपुर कमिश्नर ने आपके यहाँ नागपुर महानगर पालिका में वार्ड वाइज ओबीसी की संख्या क्या है। ग्राम पंचायत को आदेश निकालना है कि आपके ग्राम पंचायत में ओबीसी के घर कितने हैं, पंचायत समिति में कितने हैं, जिला परिषद में कितने हैं, वो एरिया में कितने घर है, और ये डेटा सरकार को भेजना है। सरकार को आरक्षण फिक्स करना है, केवल 3 महीने की प्रैक्टिस है, प्रोसीजर है। लेकिन जानबूझ के महाविकास आघाड़ी सरकार 15 महीने से टाइम पास कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार आदेश देने के बाद भी महाविकास आघाड़ी केंद्र 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 का नाम लेके बदनाम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया वो सामने पड़ा हुआ है, वो आदेश के हिसाब से महाविकास आघाड़ी सरकार ने अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं वडट्टीवार जी, नाना पटोले जी, छगन भुजबल जी, इनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सरकार में हैं, जिस प्रकार से माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने उनके अंतरात्मा से कहा कि हमारी सरकार होती तो हम 4 महीने में ओबीसी आरक्षण देते, ये बात सही है कि 3 महीने में ओबीसी आरक्षण मिल सकता है, लेकिन महाविकास आघाड़ी जानबूझकर ओबीसी समाज पर अन्याय कर रही है। तो आप थे पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, जिन्होंने बकुबेर बेव के साथ बात करते हुए ये कहा कि आरक्षण जरूर ओबीसी को मिल सकता है बशर्ते महाविकास आघाड़ी सरकार ने उस तरह की पहल करना चाहिए, मगर अफसोस कि ये पहल नहीं की गई है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सत्ता पक्ष के नेता जिस प्रकार से ये जो विधान कर रहे हैं, ये संभ्रम इस जनता के मन में फैला रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं इसकी रोकथाम होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन एक बात तो तय है कि आने वाले दिनों में और अब तक के, चाहे राजनीति पार्टी हो, सत्ता पक्ष हो या विरोधी हो, इनमें इस प्रकार के अक्सर ऐसी बातें दिखाई देती है जो कहीं ना कहीं जनता के लिए काफ़ी प्रभावित करने वाली होती है। इस और सभी नेताओं ने ध्यान दें और इस प्रकार का विधान न करें, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको जीने का अधिकार है, मगर कीचड़ उछालने का किसी को अधिकार नहीं दिया गया है। राजवाड़ा पैलेस से कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ संजय मिरे, BCN न्यूज़ नागपुर।